मम्मी मुझे भूख लग रही है। देखिए आ रही है ना, डोंट वरी बेबी। और तुम्हें टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी ठूसो मेरे को दूसरा काम भी करने का। शांता भाई, हम लोग इंसान है, इंसानों की तरह खाएंगे ना। वो मेरे को मालूम नहीं, जल्दी नाश्ता करो। लेकिन शांता भाई, शांता भाई कुछ अपसेट लग रही है। नमस्ते जी, नमस्ते। जी मेरी मम्मी ने कहा था किसी के भी घर पे जाना तो सबसे पहले से नमस्ते कर लेना। हाँ ठीक है, आगे बोल। जी मेरा नाम बॉबी है। मम्मी ने कहा था कि तेरा नाम बॉबी है। जी हाँ, मम्मी ने कहा था। ठीक है ना, आगे बोलना। जी मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मेरे पापा जी के 4 होटल है। मम्मी ने कहा था मेरी मम्मी ने कहा था छोटे मोटे काम तो पड़ोसियों से ही करा लेने चाहिए। आपके घर की लाइन खाली है? बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। ये सब तीन तीन बच्चे की मां है, एक परी बेट के ऊपर है। बड़ी वाली के पास तो ओवर बुकिंग है। गैस का नंबर लग जाएगा पर उसका नंबर नहीं लगेगा। और छोटी वाली है ना, वो तो अभी तक लाइन में नहीं है। आप गलत समझ रही हैं, मैं उस लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं टेलीफोन की बात कर रहा हूं। मुझे टेलीफोन करना मेरे पास है। टेलीफोन पूछ समझ क्या है? जी हां, मेरी मम्मी ने कहा था कि कौन है शांता भाई? जी नमस्ते। नमस्ते। जी मेरी मम्मी ने कहा था जहाँ भी जाओ पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बना लो, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। नमस्ते जी, मैं यहाँ पर मॉडल बनने आया हूँ। नमस्ते। मॉडल बनने के लिए स्ट्रगल करना बहुत जरूरी होता है। नमस्ते। स्ट्रगल करने के लिए फोन करना जरूरी होता है। फोन करने के लिए पड़ोसियों से दोस्ती रखना बहुत जरूरी होता है। मेरी मम्मी ने यही कहा था। ओके ओके समझ गया, बोरा फोन जाओ कर लो। नमस्ते। बैठो वहां। अबे और नए पड़ोसी, तुम क्या रोज यहाँ फोन करने आओगे? जी हाँ। ध्यान रखना, इस घर में तीन तीन लड़कियाँ रहती हैं। ओ मैम साहब, मैं इसको छोड़ के। लेकिन मुझे तो दो ही लड़कियाँ दिखाई दी। ये जो हमारी मम्मी है ना, वो भी एक लड़की है। समझ गया, मैं फोन कर लूं। हाँ, मम्मी ये क्या रोज फोकट में फोन करेगा? नहीं 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 नहीं, हमारी मम्मी ने कहा था जो भी तुम्हारा एक काम करे तो बदले में तुम भी उसका एक काम कर देना। ओ चलो हम लोग ना आपस में डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी ने कहा था, हाँ अगर आप एक फोन कॉल करोगे तो बदले में एक काम करोगे। पहले इस कॉलोनी से निकलो। इस कॉलोनी से निकलते ही कोने में एक लॉन्ड्री की दुकान है, वहाँ जाके कहना कि मिसेस श्रीवास्तव ने अपने कपड़े मंगवाए हैं। एक कॉल फ्री। हाय बॉबी, लॉन्ड्री की दुकान के बराबर में एक कैसेट शॉप है, वहाँ से आप मेरे लिए डिलीवरी में करने आके ले आना। दो कॉल्स फ्री। सुनो सुनो, वही पास में एक स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से 3 डजन बॉल पेन लाना। पैसे बचेंगे ना, उसमें से मेरे लिए एक मीठा बॉल लाना। 4 कॉल फ्री। 4 कॉल फ्री। अबे किधर जाता है? मार्केट जा रहा हूँ सामान लाने। पहले ये पकड़, तेरे को भाजी काट के दे, मेरे को भाजी बनाने का। और हाँ, एक भाजी में 1 कॉल फ्री। पहले दिन इतने सारे कॉल फ्री। मुझे मत सिखा चीकू, मुझे मालूम है बाजिया कैसे पलटी जाती है। मेम साहब। हाँ क्या है? मेरे को तुम्हारे साथ अब भी अर्जेंट बात करने का। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है शांता भाई, मेरी ताश की बाजी फंसी है। अरे तुम्हारी ताश की बाजी फंसी लिए, इधर मेरी राज की बाजी फंस गई है। मामा इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये हमें खेलने नहीं देगी। ठीक है बोल क्या प्रॉब्लम है। तुम मेरे को पप्पू के साथ शादी के चक्कर में फंसाई। फंसाई? मैं तो फंसाई बोलेगी ना मेम साहब। तुम मेरे को जताई कि पप्पू सुधर गया है, पप्पू ऐसा है, पप्पू वैसा है, एकदम हीरो बना के सामने लाई तुम उसको मेरे। तो क्या पप्पू हीरो नहीं है? अरे मेरे लाइफ के फिल्म का तो विलन है विलन। टपोरी लोग के साथ वापस टपोरी गिरी करने लग गया है। और मेम साहब ठीक, कभी कभी तो स्मेल भी करता है। दारू? अंटी के अड्डे का देसी दारू। मैं तुमको बोल देती हूं मेम साहब, अगर पप्पू लाइन पे नहीं आया ना तो मैं तो उसका मर्डर कर डालेगी। शांता भाई ऑब्जेक्शन है, ये मर्डर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मर्डर नहीं तो डाइवोर्स तो कर
कॉल ले आया। अब मेरे कितने कॉल हुए? अरे तेरे कॉल का मेरे को क्या पूछता है? जा किचन में जाके पटक। नील साहब, हाँ? पप्पू से तो बेचारा यही चच्चा है, कम से कम काम तो करता है। हाँ? नील साहब मेरी डॉग। हेलो बॉबी। नमस्ते आंटी जी। आंटी मेरा मतलब है नमस्ते मिसेस श्रीवास्तव। दैट साउंड्स बेटर। क्या कर रहे हो तुम? मैं रिंकी के नोट्स लिख रहा हूँ। एक सब्जेक्ट पे 20 कॉल फ्री। मेरे पास बहुत सारे कॉल फ्री हो गए हैं। माँ कहती थी कमाने वाला लड़का सबको पसंद आता है। बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारी मम्मी। तुम लगे रहो अपनी कमाई में, तब तक ना मैं अपने बच्चे के साथ घरेलू बातें करती हूँ, लेकिन तुम सुनना मत। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा। इतने छोटे बच्चे के साथ घरेलू बातें कुछ? क्यों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ घरेलू बातें नहीं करती थी? करती थी। करती थी ना? तो फिर कम ऑन चीकू, लेट्स स्टार्ट। बिचारी शांता बाई। क्या हुआ शांता बाई को? जन्म किया भागी, बिन माँ बाप की बच्ची। क्या क्या सपने लेकर आई थी इस घर में। जवान आगी तो एक हैंडसम नौजवान मॉडल जैसा लड़का उसे प्यार करेगा, शादी करेगा। फिर बॉबी को एक लड़की मिली, लेकिन क्या? शांता भाई तुम्हें मना किया ना हमारी बातें सुनने को? हाँ ठीक है मेरे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने के लिए। पहले डंकी दी, फिर क्या? वही हुआ जो हर सीधे साधे लड़के के साथ होता है, लड़की बेवफा निकली। अय्या बेवफा? एक नंबर का बेवफा, गुंडा, आवारा, शराबी। उन बदमाश ने शांता बाई को फंसा लिया। अरे पूछता है कोई, आज बेचारी शांता बाई लोगों के घरों में बर्तन मांजती फिरती है। वो अय्याशी करता है। वो लड़की शादी करके चली गई और बेचारा बॉबी अपना टूटा हुआ दिल लेकर बम्बई आ गया। काश उसे कोई सहारा देता तो फिर से संभल जाता। बेचारा बॉबी। बेचारी शांता बाई। काश कोई शांता बाई को थोड़ा सा सहारा दे दे, उसका दुख कम हो जाएगा। क्या क्या सहारा देना होगा शांता बाई को? तुम सहारा दोगे? हाँ मैं सहारा दूंगा उसे। कितने कॉल फ्री मिलेंगे? गरीब और दुखी लोगों को सहारा देना चाहिए। बताइए मैं शांता बाई को क्या सहारा दूं? कुछ नहीं कुछ नहीं, उसे देखकर हंसकर तो मीठे शब्द बोल दो, बेचारी बहुत खुश हो जाएगी। शांता बाई, अगर कोई प्यार के दो मीठे बोल बोल लेगा तो उसका क्या जाएगा, है ना रिंकी? चल रिंकी हम लोग चलते हैं। बेचारा बॉबी। इतनी तकलीफ होती है तो खुद क्यों नहीं प्यार से उसके साथ बात करती है? हेलो बॉबी। हेलो, और हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं शांता बाई से हंसकर प्यार की दो बातें करने जा रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी ने कहा था? नहीं, तुम्हारी मम्मी ने कहा था। शांता, शांता क्या है? कॉल बढ़ाने के लिए आया है? शांता नहीं, मैं तुम्हारे दुख बांटने आया हूँ। दुख बांटने? हाँ, मिसेस श्रीवास्तव ने तुम्हारी सारी स्टोरी सुना दी है मुझे। ओह, तो पिक्चर डबल प्रिंट में चल रही है। क्या सुना दें सबने? तेरा सालिम पति तुमको जुल्म करता है और तुम्हें सहारे की जरूरत है। चल गया ना? कोई बात नहीं शांता, मैं तुम्हारे दुख बांटना चाहता हूँ शांता। तो बांटो ना। कहाँ से शुरू करूँ? पहले तो बर्तन घिसने से शुरू करो। जब भी सामने मेरे आती है दिल मेरा धक 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 धक। रुकना है यार। क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। अबे शो का टाइम है, जल्दी पटक गया मालूम मेरा हाथी का अंडा ला रहा। क्या कॉमेडी पिक्चर है, अपन अभी उल्टा गया था, जा रहे हैं। रुकना। क्या हुआ, बजाने देना मेरे को एक बार। बजा रे गाने की थोड़ी। आ गए लाए शांतु, शांता, शांते। अरे इतना गलत टाइम पे क्यों आया पप्पू? गलत टाइम बोले तो? ए डिंकी चुप बैठना, कुछ भी नहीं पप्पू, तू बाद में आना। अरे बाद में क्यों, तुमने तो अपन को 3 बजे बुलाया था, अपन करेक्ट टाइम पे आया है। कुछ लोचा क्या? हाँ, वो अभी किचन में शांता भाई के साथ। कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही मजाक कर रही है। शांता
लगता है तुम लोग जरूर अपन से कुछ बात छुपा रहे लाए। अरे नहीं, इसमें छुपाने की क्या बात है, वो क्या है ना, वो हमारे नेबर है ना बॉबी, वो और शांता भाई। तुम लोग अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते क्या? पप्पू शांता भाई पर बिल्कुल शक मत करना, उसका और बॉबी का कोई लफड़ा नहीं है, वो लोग ऐसे ही किचन में बातें कर रहे हैं। कांजे की कली किसी गैर मर्द के साथ किचन में। शांता, माँ कहती थी दुख बांटने से बढ़ता नहीं और प्रेम बांटने से घटता नहीं। वाह 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 बॉबी, क्या शेर मारा तूने, वाह। बाइको पप्पू तू, मैं तो फालतू में ही डर गई थी। पप्पू यानी तुम्हारा जालिम पति? ये लंबे अपन के साइज पे मत जा, समझा ना, अपन बहुत जालिम आदमी है, तू अपना थोपड़ा घसते रहे उधर। ये तो ये कबूतर के साथ तू इधर खिचड़ी पका रही है? अबे मुंह संभाल के बात कर, ये कबूतर नहीं बॉबी है, है ना? अबे बॉबी हो या धोबी हो, चल खोली पे तेरे से बात करने का, चल। अभी टेम नहीं है, दिखता नहीं है क्या, बहुत बिजी है मैं, है ना बॉबी? तो बॉबी क्या बोल रहे थे तुम, दुख बांटने से घटता नहीं है, प्रेम बांटने से बढ़ता नहीं है? अरे नहीं नहीं, तुम उल्टा कह रही हो, दुख बांटने से बढ़ता नहीं और प्रेम बांटने से घटता नहीं। टूट जाएगा। सबूत तो साला पुल लाएगा, उसके बाद बताएगा गांजे की कली को आके सबूत क्या होता है। कोई है यहाँ? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अबे पंचर, ये क्या नया नाटक है तेरा? कोई जवाब क्यों नहीं देता मुझे? अगर दे भी तो क्या फायदा, मैंने एक एक्सीडेंट में अपने कान और आंख दोनों गवा बैठे, डॉक्टर का कहना है कि एक हफ्ते तक मैं कुछ सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। सोफे में नाटक बंद करा अभी। कोई है भगवान का नेक बंदा जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सोफे पर बिठा दे? अरे ये तो कुतुब मीनार में दिल्ली पहुंच गया क्या? चल चल बैठ, चुपचाप। आपके स्पर्श से तो लग रहा है जरूर कोई नारी हो, कौन हो? तेरी माँ। आपको ना मुझे बहन, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसा क्या? लेकिन जब भी मन उदास हो तो चॉकलेट खाने से। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ना इसका ऑडियो वीडियो दोनों बंद है, कुछ देख सकता है ना सुन सकता है। क्या हुआ इन्हें? दारू पी के गिरा रहेगा किसी गटर में। क्या हुआ बाबा? लगता है इन्हें हमारी सारी बात सुनाई दे रही है। अरे कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, क्यों पप्पू? मेरा कान और आंख दोनों आउट ऑफ ऑर्डर है, कौन हो भाई? देखा मैंने कहा था ना इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर तुमको डर लग रहा है ना तो चलो हम लोग उधर बैठ के बात करते हैं। आ जाओ बॉबी, इधर ना कोई टेंशन नहीं है, बैठो। पहले आप? नहीं नहीं पहले आप। नहीं नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं, मेरी मम्मी ने कहा था बैठना। पकाओ बॉबी, तेरे को प्यार का मतलब मालूम है? मालूम है, मेरी माँ ने कहा था जब किसी से बार बार मिलने को दिल करे तो समझो उसे प्यार हो गया। तेरे को मेरे से बार बार मिलने का दिल होता है? बार बार लगातार। भैया इसका मतलब तेरे को मेरे से बहुत प्यार है, है ना? हाँ लेकिन ये तो बंद हो गया। अरे काइका बंद हो गया लाई, सुना तुमने उसने अपुन का जिंदगी कैसा उजाड़ दिया? अरे अपुन की गांजे की कली उस चिन्ने का गमले का फूल बनने जा रही है। क्या क्या सपना देखा था अपुन ने, अपुन का दो छोकरा होगा, बड़े का नाम राजा छोटे का नाम बादशाह। अगर लड़की होती तो रानी। बड़े को अपन टैक्सी का परमिट दिलाएगा, छोटे को अपन ऑटो का परमिट दिलाएगा, लेकिन अपन का सपना तो बिखर बिखर के टूट टूट के भूखा बन गया रे। पप्पू अब समझ में आया कि बीवी का क्या इम्पोर्टेंस होता है जिंदगी में? आ गया समझ में। और तुम अपनी बीवी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे? बेजा घूम गया था उनका। तुमने शांता भाई को कभी कोई टाइम दिया? अरे ये हो गया था बुढ़िया। फ्रेंड्स की पार्टी कब होने की? बिस्टे
काकू का मिस्टेक। अपनी गलती मानते हो? मानता। अगर शांता भाई वापस आए तो अब उनका जान दे देगा उसके लिए। जान देने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपनी जान बनाए रख। और सुन, ये आंसू पोंछ डाल, तुझे रास्ते पर लाने के लिए मैंने ये नाटक किया था। हमने क्या बात कर लिया मैडम? चीकू जा शांता भाई को बुला कर। क्या है बाबा? शांता माय कली डार्लिंग। तो ये आइटम भी इधर ही चे। भाई पप्पू ने अपनी गलती मान ली, तू भी ये नाटक बंद कर देना। नाटक? कौन सा नाटक मेम साहब? कमाल है, बॉबी के साथ जो प्यार का नाटक कर रही है ना वो। ओ मेम साहब, मेरे सचमुच के प्यार को तुम नाटक बोलती है? मतलब ये कि मैं बॉबी से रियल में प्यार करने लगी है क्या? तो मैं क्या इसके जैसे नाटक बंद नहीं है? मैं प्यार करती है तो पक्का करती है। और हाँ मेम साहब, मैं और बॉबी ना शादी भी करने वाले हैं। और सुन, मैं जा रही हूँ वकील के पास डाइवोर्स के पेपर तैयार करने के लिए। चुप करो। ओफ, तमाशा, हर रोज नया तमाशा। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें घुमा के कान पकड़ने की? सीधे सीधे आमने सामने बिठा के पप्पू शांता बाई को समझा देती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मगर नहीं, तुम्हें तो बाजी पलटनी थी ना। तुम्हारी बाजीगरी में बेचारे का घर बिगड़ गया, इसकी बाजी पलट गई। I'm sorry, Naren. तुम्हारे सॉरी कह देने से शांता बाई वापस नहीं आ जाएगी। मैं आ गई लिए साहब। देखो वो आ गई नरेन। मैं आ गई लिए अपन वापस जाने के वास्ते। चल उठ और दूर से बात कर चट्टे, मेरे को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तेरे सिग्नेचर में इंटरेस्ट है। चल साइन कर इसको फटाफट। मैं सुधर गया गांजे की कली। साइन करता है कि नहीं? मैं आज के बाद अपने कपोरी दोस्तों के साथ कभी टल्ली नहीं होएगा गांजे की कली। मेरे को तेरा नाटक नहीं मांगता, साइन कर। मैं रोज रात को 9 बजे खोली पहुंच जाऊंगा। पप्पू साइन करेगा, जरूर करेगा। नहीं, पेपर्स तो दिखा, जरा देखो तो सही क्या लिखा है। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर ये कसम खाता हूँ कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, आवारा घर भी नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और पूरी ईमानदारी से अपनी बीवी शांता बाई से प्यार करूंगा। ए, ये क्या है? शपथ है। इस नौटंकी का कोई भरोसा है क्या? इसका मतलब तू उस चिकने के साथ तेरा कोई टांग नहीं मिलने लगा? पागल है क्या? मैं उस मम्मी के बच्चे को गोद में लेके बोतल से दूध पिलाऊंगी। इस खुशी के अवसर पर अपन को डांस करने का दिल हो रहा है। शादी कर लेना, बैंड भी है, बाजा भी है, दूल्हा भी है और ये पंडित भी है। ए, करती क्या?